एक दो मामले को छोड़ करके किसी भी मामले में हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के हैं और जो सफल हुए हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे लोग हैं। इस परीक्षा में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कुछ की वानगी तो आप लोगों ने यहाँ के आयोग के हमारे कमांड कंट्रोल रूम को भी देख करके आप लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ की वानगी जो मुन्ना भाई पकड़े गए उन्हें भी अब समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो कार्य हम पर्दे के समक्ष करते हैं वो सब लोग देखते हैं, सब लोग की नज़र में रहता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कार्य जो होता है वो पर्दे के पीछे भी होता है। और पर्दे के पीछे का कार्य महत्वपूर्ण होता है, लोगों की नज़र में नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा उसमें हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है। आज जो हम इतने परीक्षा फल को बनाए हैं और आज जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोगों के टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का। हम लोगों ने सारा चीज़ सॉफ्टवेयर से किया, रिजल्ट भी बनाया सॉफ्टवेयर से और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने किया है। और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो हम लोगों ने 11th, 12th एंड 9th, 10th का जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, वेरिफिकेशन का काम कराए, उसमें हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी आवेदन देते समय 1000 तरह की गलतियां कर बैठे थे। उसके बाद जब वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसमें भी कई गलतियां हुए, क्योंकि कई लोगों का तो पूर्ण वेरिफिकेशन हो गया लेकिन कुछ लोगों का पार्शियल हुआ। बड़े पैमाने में अभ्यर्थियों अनुपस्थित रहे जानबूझ करके, क्योंकि जब हम लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने आवेदन में जो दिया था उनको हम लोगों ने जब वेरीफाई किया तो हम लोगों ने पाया कि वैसे लोग जानबूझ करके अनुपस्थित रहे, क्योंकि उसके पहले 500 लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल ही अप्रमाणित पाया गया। और जिनका अप्रमाणित पाया गया उसके डॉक्यूमेंट्स की जब हम लोगों ने यहाँ से भी हम लोगों ने जब जाँच किया तो हम लोगों ने पाया कि वाकई में वो सही तरीके से ही बाहर किए गए हैं। और शायद उन लोगों को ये भनक थी कि हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए बड़े पैमाने पर कई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। लेकिन कई ऐसे जेन्युइन अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने उनका भी डॉक्यूमेंट अपने स्तर से चेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का पार्शियल वेरिफिकेशन हुआ था, उन लोगों का भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा। इन इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों को इसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सारा कार्य खुद नहीं कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में जब ये हो रहा है तो हमें विकेंद्रीकृत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, और वो हम लोगों ने किया। डिसेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों टेक्नोलॉजी एक लगाया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी हमारे यहाँ देंगे वो हमारे ही पोर्टल से डाउनलोड करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल के बिना उससे डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ होगा तो उसमें वाटर मार्किंग नहीं रहेगा, का मतलब ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पोर्टल पर नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पोर्टल पर नहीं है उसका हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया उसमें भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो डॉक्यूमेंट आयोग के पोर्टल पर है ही नहीं उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं, जो सफल अभ्यर्थी जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने योगदान करने के समय, अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और वो हमारे पोर्टल पर नहीं जो उन्होंने अपलोड किया है तो वो बेशक अपलोड करें और फिर डाउनलोड करें और फिर उसको लेकर जाएं, क्योंकि उसमें वाटर मार्क हो जाएगा, वो प्रूफ होगा कि हमारे यहाँ वो आयोग के पोर्टल पर उन्होंने डाल दिया है। क्योंकि यही बाद में 10 साल 20 साल जब भी खोजा जाएगा तो यही डॉक्यूमेंट रहेगा, और ये बहुत आवश्यक है
और इसीलिए इसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज किया कि वाटर मार्किंग और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को हम लोगों ने अंकित कर दिया। इन सब के बाद अब हम लोग कुछ आपको आंकड़े बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और इसमें 11-12 की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,701 रिजल्ट दिया है। यह रिजल्ट कम नहीं है क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी। इसमें 30,000 अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिजल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं, और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 204 है 9th-10th का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आप प्रश्न पूछेंगे मैं जरूर जवाब दे दूंगा, अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं, 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज़्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं, तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ सौ है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नियत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का कैसे क्या नियत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा, तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूं कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहा रिजल्ट प्राइमरी का सर, हर एक प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा, पोर्टल पर आ जाएगा, सारा पोर्टल पर आ जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अगर कोई, जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग इसको पोर्टल को ओपन कर दे रहे हैं, अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके हैं वो भी वहां पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाकर दिखा देंगे। सर एक सवाल है, आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए,
लेकिन रिक्तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लाए कश्ती तूफान से निकाल, सर योग्य अभ्यर्थी पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। सर सीटें खाली रह गई, क्या मानते हैं अभी भी योग्य अभ्यर्थी की कमी है बिहार में? देखिए, जो सीट खाली रह जाती है या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9th, 10th, 11th, 12th का, उसमें जो हम लोग का पार्शली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं और वो वहाँ पर जा करके दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, जैसे बहुत बार लोग बोलते रहे हैं कि कई अभ्यर्थी अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए जो कि उनकी अर्हता नहीं थी। अब STET की परीक्षा, BEd की परीक्षा के पहले या बाद में, या PG की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। लेकिन अगर मान लें, आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने 11th 12th भी क्लियर कर लिया और 9th 10th भी क्लियर कर लिया, तो हम अगर सिर्फ अगर उसको 11th 12th में अगर उसका हम डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट और 9th 10th में नहीं करेंगे, और कहीं वो 11th 12th की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसका नहीं सही पाया गया, तो वो बाहर हो जाएगा। और अगर हम 9th 10th में उसका रिजल्ट नहीं देंगे तो उसमें ही बाहर हो गया, जबकि हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएशन में वो सही हो उसका। तो इसलिए हम लोगों ने रिजल्ट में किसी को वंचित नहीं किया है।